दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच जीतकर वनडे सीरीज को अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच में जीत के साथ भारतीय टीम करेगी सीरीज को अपने नाम, या अफ्रीकी टीम एक बार फिर से भारत को देगी शर्मनाक हार? जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके 2 मैच समाप्त हो चुके हैं और ऐसे में अंतिम मैच फाइनल मैच के तौर पर होगा। तो आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंतिम और निर्णायक मैच कब और कहाँ पर होगा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और केएल राहुल में कौन खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 विकेट से जीत मिली, तो दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने वापसी करते हुए 8 विकेट से भारत को हराया और ऐसे में अब दोनों टीम 1-1 के मैच के जीत के बाद सीरीज में बराबरी पर हो चुकी है और अब सीरीज का अंतिम वनडे मैच निर्णायक मैच के तौर पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं। तो आइए भारत और अफ्रीका के बीच अंतिम और फाइनल मैच से संबंधित आंकड़े और प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की अगर बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक 92 वनडे मैचेस खेले गए थे, जिसमें भारतीय टीम ने 38 मैच तो साउथ अफ्रीका की टीम ने 51 मैचों में जीत दर्ज की। वहीं 3 मैच बेनतीजा साबित हुए। वहीं अफ्रीका की धरती पर खेले गए मैच के बारे में अगर बात करें तो दोनों टीमों के बीच 39 मैचेस खेले गए, जहां भारत को मात्र 11 मैच तो अफ्रीका को 26 मैचों में जीत करने का मौका मिला। वहीं 2 मैच रद्द हुए थे। दोस्तों, भारत और अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच पर्ल शहर के बोलैंड पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाला है, जहां अब तक 15 मैचेस खेले गए हैं। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 8 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 मैचेस जीते हैं, जहां इस मैदान का औसत स्कोर 270 रनों का है। इसके अलावा इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने दोनों के दोनों मैचेस जीते हैं। तो वहीं इस मैदान की पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इस मैदान पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बल्लेबाजों को यहाँ काफी ज्यादा मदद मिलती है। साथ में तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज अगर अच्छे तरीके से गेंदबाजी करेंगे तो उनको भी काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। ऐसे में यहाँ पर जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है, लेकिन आंकड़ों में पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित होता है। हालांकि इस मैच में उस टीम को जीत मिलेगी जो बेहतर बल्लेबाजी कर पाएगी, क्योंकि ये मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। तो वहीं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस मैच में मौसम की अगर बात की जाए तो इस मैच के अंदर बारिश का बिल्कुल भी साया नहीं है और मैदान पर काफी गर्मी होगी, जिसके चलते दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिल सकता है। और ऐसे में मेरे अनुसार जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहली गेंदबाजी करना चाहेगा। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रीजा हेंड्रिक्स और टोनी देव जर्जी पारी की शुरुआत करेंगे, तो वहीं मध्यक्रम में वांडर हुसैन, कप्तान एडन मार्क्रम और डेविड मिलर खेलते दिखाई देंगे। वहीं विकेट कीपर के रूप में हेनरिक क्लासन खेलेंगे, जो कि अपने तूफानी प्रदर्शन से भारत को परेशान करते दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं गेंदबाज के तौर पर केशव महाराज, तबरीज शमसी और बर्गर को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन खेलते दिखाई देने वाले हैं, जहां पर दोनों से टीम के लिए मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। इसके अलावा मध्यक्रम में तिलक वर्मा, कप्तान केएल राहुल और संजू सैमसन के साथ रिंकू सिंह अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल की जगह पर वाशिंगटन सुंदर को खेलने का मौका मिल सकता है। वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर मुकेश कुमार, आवेश खान और अर्शदीप सिंह खेलने वाले हैं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम वनडे मैच 21 दिसंबर को पार्ल शहर के बोलैंड पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि भारत के समय अनुसार दोपहर को 4:30 बजे से प्रारंभ होगा और इसकी लाइव कवरेज 3 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं टॉस का समय 4 बजे का रहने वाला है। इसका लाइव कवरेज आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में डिज्नी हॉटस्टार इसका लाइव टेलीकास्ट करने वाला है, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य नहीं है और आप इसका आनंद मुफ्त में भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम और निर्णायक वनडे मैच में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने का मौका मिल सकता है या नहीं, कमेंट में जरूर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब अंतिम वनडे मैच 21 दिसंबर में पर्ल शहर में खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार है, क्योंकि यह मैच अंतिम और निर्णायक रहने वाला है। हालांकि मैच के शुरू होने से पहले आज एक अभ्यास मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 70 रन का योगदान दिया, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 रन का योगदान दिया। इसके अलावा कप्तान केएल राहुल ने 105 और संजू सैमसन ने 102 रन का योगदान दिया, लेकिन अंत में रिंकू सिंह ने आकर इन सभी से खतरनाक बैटिंग करते हुए विरोधी टीम को रोकने के लिए मजबूर किया। दरअसल रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोल दिया और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आगे भी पारी को जारी रखा, जहां पर रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए केशव महाराज के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाकर दिखा दिया कि आज इसी अंदाज से उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इसके बाद तो पूरी की पूरी पिक्चर बाकी थी, जहां पर रिंकू सिंह ने
आगे भी इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज तबरेज शमसी के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाए और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी में और भी ज्यादा तेजी प्रदान की और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब बढ़ने लगे और शतक भी भरपूर कर लिया। इस बीच रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज बर्गर के सामने एक ओवर में 5 चौके लगा दिए, जहां 3 चौके लगातार देखने को मिले। इतना ही नहीं, रिंकू ने जैसे ही अपने शतक के करीब बढ़ाने का कार्य किया तो बीच में ओवर कम पड़ गए, लेकिन अब अंतिम ओवर बाकी था। इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए विलियम आए, जहां पर उनके सामने रिंकू सिंह ने अपना असली रूप दिखा दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली 3 गेंद पर 3 चौके लगाए और अगली 3 गेंद के अंदर 3 छक्के लगाते हुए अपना शतक मात्र 32 गेंदों के अंदर पूरा किया और अंत तक नाबाद रहे। इस दौरान रिंकू सिंह ने 32 गेंद पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 102 रन का योगदान दिया और इस बीच मैच को भारतीय टीम जीत गई। ऐसे में अभ्यास मैच में खेली गई तूफानी शतक की पारी को देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद अफ्रीका के खिलाफ अंतिम वनडे मैच में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम वनडे मैच में रिंकू सिंह शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब तीसरे मुकाबले में चुनौती इतनी आसान नहीं थी, ये हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला था। ऐसे में पाल के बॉल एंड पार्क स्टेडियम जब अफ्रीका की टीम का हमारे साथ आमना सामना हुआ, तब एक ऐसा जबरदस्त मुकाबला खेला गया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। इस महामुकाबले में भारत के कप्तान राहुल ने पहले अफ्रीकी टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले ओवर में हर्षदीप सिंह ने रिसा हेनरिक्स को आउट कर अफ्रीका को 440 वोल्ट का झटका दिया था। ऐसा लगा था कि अफ्रीकी टीम एक बार फिर हमारे सामने घुटने टेक जाएगी, लेकिन डेविड मिलर और एडन मार्करम के इरादे तो कुछ और ही थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते देखते 150 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बनाकर मुकाबले में टीम इंडिया को कोसों पीछे छोड़ दिया। कप्तान एडन मार्करम ने 104 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दी थी। डेविड मिलर ने भी 8 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 87 रन बनाकर भारतीय टीम की हालत खराब कर दी थी। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी की बदौलत अफ्रीका ने 50 ओवर में 328 रन बना लिए थे। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए थे, उन्होंने कुल 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। टीम इंडिया के लिए यह चुनौती आसान नहीं थी। भारतीय इनिंग की शुरुआत करण साई सुदर्शन के साथ अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में नया इतिहास लिखने उतर जाते हैं। इन दोनों ने मार्करम के अंदर ही अंदाज में अफ्रीकी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। इन दोनों के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि ऋतुराज 29 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी चला था। उनके आउट होने के बाद राहुल और सुदर्शन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, अफ्रीका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। 10 ओवरों में 70 रन बनाने वाले टीम इंडिया 150 रनों के पार पहुंच चुकी थी। जी हां दोस्तों, इसी बीच कप्तान राहुल ने केवल 52 गेंद पर 56 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं सुदर्शन ने भी 56 गेंद पर 52 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में थी, ऐसा लगा था कि हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले, लेकिन तभी अफ्रीका की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। राहुल 86 रन बनाकर वापस लौट गए, सुदर्शन ने 72 रनों का योगदान दिया। मैच अब बराबरी पर आ चुका था, कोई भी बाजी मार सकता था, पर अफ्रीका को क्या पता था कि तभी अभी तो भारतीय टीम की शान रिंकू के साथ संजू सैमसन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 बाद रिंकू ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने अपने आते ही वनडे में इस मुकाबले को T20 बनाते हुए 4 छक्कों की झड़ी लगा दी। 49 ओवर में ही टीम इंडिया ने 311 रन बना लिए थे। मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 18 रन। रिंकू के साथ संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम लेकर आए रफ्तार के सौदागर फेलुक वायो की पहली गेंद पर संजू का बल्ला गर्जा मिड विकेट के ऊपर से, उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर प्रोटियाज को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि अफ्रीका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूरों के गेंदबाज ने संजू को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और संजू इसे कहां छोड़ने वाले थे। इन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंक कर टीम इंडिया को जीत सुनिश्चित कर दी थी। अब 4 गेंद पर केवल 8 रन चाहिए थे। अब भारतीय फैंस को तो लगा था कि अगली गेंद पर संजू सैमसन समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर संजू बल्ले को संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद रिंकू ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे वो बल्लेबाज जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक अफ्रीकी खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी रिंकू ने 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों फेलुक वायो ने रिंकू को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रिंकू ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब ये मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं अफ्रीका को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब कौन क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रिंकू को छकाना चाहा, लेकिन वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से उन्होंने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी।